Dear students, welcome to Elite. I am Chandan Jha, your English trainer. In this video, we are going to learn about do. Dear students, इस वीडियो में हम लोग do, does, did का proper use, साथ ही साथ उसमें use होने वाले collocations को सीखेंगे. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. Do, does, did. इसका use हम लोग कई तरह से करते हैं. सबसे पहले main verb के रूप में. Do का मतलब होता है काम करना. डू भी वन है, इसका भी टू होता है, डिड भी थ्री होगा, डन भी फोर डूइंग और भी फाइव डज. यानी आप इसे मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू डू हाउस होल्ड वर्क ऑन सैटरडेज. मैं मुझे सैटरडेज को घर का काम करना अच्छा लगता है. यहां पर डू हमने यूज किया है मेन वर्ब के रूप में. यू डोंट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं करते हो. इसमें पहला डोंट, यहां पर ये ऑक्सिलरी है, लेकिन दूसरा जो डू है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है. शी डज ऑल द वर्क, वह सारा काम करती है. यहां पर डज मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है. इसके अलावे हम लोग डू का यूज करते हैं ऑक्सिलियरी के रूप में. ऑक्सिलियरी के रूप में इसका चार यूज है. पहला, क्वेश्चन में. जब आपको किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो प्रेजेंट में डू डस और पास्ट में डिड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो. यहां पर डू क्वेश्चन के लिए यूज हुआ, ऑक्सिलियरी है. डस शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह जल्दी उठती है. डू यू लाइक बनानास, क्या आपको केला पसंद है. डिड शी अंडरस्टैंड यू, क्या वो आपको समझी. या पास्ट में हमने डिड का यूज किया क्वेश्चन बनाने के लिए. दूसरा यूज होता है ऑक्सिलरीज के रूप में निगेटिव में, ना में इसका यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट गो टू द सिनेमा ऑन वीकडेज, मैं वीकडेज पे सिनेमा देखने नहीं जाता. शी डजंट डू द वॉशिंग अप, वह बर्तन धोने का काम नहीं करती. आई डिंट गो टू मार्केट यस्टरडे, कल मैं मार्केट नहीं गया था. अब हम लोग रूल नंबर थ्री, यूज नंबर थ्री को देखते हैं. जब आप शॉर्ट रिप्लाई करते हैं वहां पर डू डज डिड का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, डज कविता गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अगर इसका जवाब देना हो तो आप कहेंगे यस कॉमा शी डज या नो शी डजंट. तो शॉर्ट क्वेश्चंस का रिप्लाई में भी आप डू डज डिड का यूज कर सकते हैं ऑक्सिलरीज के रूप में. फोर्थ, क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरीज के रूप में आप डू डज डिड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डज करण स्पीक इंग्लिश, ये क्वेश्चन है. अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो आप बोलेंगे करण स्पीक्स इंग्लिश कॉमा डजंट ही. यहां पर डजंट आपने यूज किया जो ऑक्सिलरी है और ये सेंटेंस क्वेश्चन टैग है. यू अंडरस्टूड मी, डिंट यू, आप मुझे समझे ना. तो ये क्वेश्चन टैग में हमने यहां पर डिंट यूज किया. तो पांच, ये चार तरह से आप यूज कर सकते हैं. अब हम लोग बात कर लेते हैं कलोकेशन, इसका कलोकेशन क्या होगा. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. डू द हाउस वर्क यानी घर का काम करना. आई डू द हाउस वर्क ऑन सैटरडेज, मैं शनिवार को घर का काम करता हूं. नेक्स्ट, डू द गार्डनिंग यानी गार्डन का काम करना. माय फादर डज द गार्डनिंग ऑन संडेज, मेरे पापा रविवार को गार्डनिंग का काम करते हैं. डू द वॉशिंग यानी धोने का काम. नोबडी डज द वॉशिंग, कोई भी वॉशिंग नहीं करता. नेक्स्ट, डू द वॉशिंग अप, बर्तन धोने का काम करना. My mother does the washing up. Homework करना, do your homework.
आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं समय पर अपना होमवर्क करता हूं. डू सम एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना. आई डू सम एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग एवरी डे, मैं रोज सुबह में कुछ एक्सरसाइज करता हूं. नेक्स्ट, डू बिजनेस विथ यानी व्यापार करना. इंडिया डज बिजनेस विथ चाइना, इंडिया चाइना के साथ बिजनेस करता है. डू अ जॉब या टास्क. ऑन सैटरडेज आई यूजुअली डू अ फ्यू जॉब्स अराउंड द हाउस, मैं शनिवार को घर में कुछ काम करता हूं. नेक्स्ट, डू द लॉन्ड्री यानी लॉन्ड्री का काम करना. आई डू द लॉन्ड्री. डू द आयरनिंग, आयरन का आयरन करना यानी इस्त्री करना. माय ब्रदर डज द आयरनिंग. नेक्स्ट, डू अ कैलकुलेशन. आई डिड अ फास्ट कैलकुलेशन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. डू द शॉपिंग यानी खरीदारी करना. आई लाइक टू डू द शॉपिंग. नेक्स्ट, क्लीनिंग सफाई करना. आई हेट टू डू द क्लीनिंग, हाउएवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे क्लीनिंग करना पसंद नहीं है, हालांकि ये बहुत जरूरी है. डू द कुकिंग यानी खाना बनाना. हु डज द कुकिंग इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कुकिंग कौन करता है. डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ कलोकेशन. इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.